नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को यूज़ करने के बहुत सारे आइडियाज़ जो आपके डेली यूज़ में काफ़ी काम आएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप बहुत सारी बचत भी कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इनमें से कौन सा आइडिया आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले आइडिया की तरफ। लेंथ इसकी 79.5 इंच, विड्थ इसकी 12.5 इंच। अब देखिए इसी साइज का हम शॉपिंग बैग में से एक पीस कट कर लेंगे। अब इसे अलग रख देंगे। एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब चैन को यहां से खोल कर अलग कर लेंगे। अब देखिए इसे लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे चैन के ऊपर, एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब इसे यहां से पलट लेंगे। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान को हम नीचे तक 2 इंच तक खींच लेंगे। अब देखिए सेंटर के निशान से इस तरह रखेंगे डेप को, 2 इंच इधर लाइन खींच लेंगे और 2 इंच इधर, इस तरह भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए सेम साइज की तो हैंडल तैयार कर लिया हमने इसी कपड़े से। लेंथ इसकी 16 इंच। अब एक हैंडल लेंगे, इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसके चार तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसे भी यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसके भी चार तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ से हम चैन का हुक डाल लेंगे। अब एक्स्ट्रा चैन हम कट कर लेंगे। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब देखिए चैन का सेंटर सेंटर के कट पे रखेंगे, यहाँ पे एक ऑल पिन लगा लेंगे। इधर से भी चैन को इस तरह पकड़ेंगे, इस कट पे रखेंगे, यहाँ पे भी ऑल पिन लगा लेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। देखिए बैक के रफ एजेस हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिए हैं। अब देखिए इंची टेप लेंगे, इस पट्टी को छोड़ के इस तरह रखेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इसी निशान को ऊपर तक 1 इंच तक खींच लेंगे, यहाँ से भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इसे मिला लेंगे। अब इन्हें कट कर लेंगे। अब इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। देखिए चारों कॉर्नर पर हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस तरह पकड़ेंगे, चैन से थोड़ी जगह छोड़ के इस तरह बिल्कुल यहाँ से इस कॉर्नर तक मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे चैन से थोड़ी जगह छोड़ते हुए। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, इसी तरह इस तरफ आएंगे, इन निशानों पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा सुंदर सा पर्स बनकर बिल्कुल रेडी है। इसके लिए देखिए मैंने सेम साइज के कपड़े के 5 पीसेस लिए हैं। 2 पीसेस मैंने एक कलर के लिए हैं और 3 पीसेस मैंने एक कलर के लिए हैं। लेंथ इसकी 9 इंच, विड्थ इसकी 5 इंच। अब इन्हें अलग रख देंगे। इसी के साइज का मैंने एक ड्रेस बैग में से पीस कट किया है। अब इसके सेंटर में सिलाइयां लगा लेंगे। अब इसे हम अलग रख देंगे। अब बाकी बचे पीसेस लेंगे। अब सबसे पहले इसमें से एक पीस लेंगे, इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब इसके 3 साइड किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए तीनों पीसेज में हमने चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब इसे अलग रखेंगे, इस पीस को लेंगे, इस 3 इंच टेप को रखेंगे, 1.5 इंच में निशान लगाएंगे यहाँ से भी। अब देखिए एक पीस लेंगे, फोल्ड वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे इस निशान पे। अब देखिए एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब देखिए इंची टेप को इस तरह रखेंगे, 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे इधर से भी। अब इसे लेंगे, इस निशान पर रखेंगे। अब इसमें भी एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब देखिए दूसरा पीस लेंगे, नीचे से मिला लेंगे इसे। अब देखिए एक सिलाई यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक लगा लेंगे। अब देखिए इंची टेप को इस तरह रखेंगे, इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे यहाँ से भी, आपको मिला लेंगे। अब देखिए इस निशान पे सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे,
अंदर से इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब इसे अलग रख देंगे। अब देखिए राइस बैग में से एक पीस मैंने और कट किया है। लेंथ है इसकी 4 इंच, विड्थ इसकी 2.5 इंच। अब देखिए इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके कॉर्नर में हल्की सी गोलाई कट कर लेंगे। अब देखिए इसी साइज के कपड़े के 2 पीसेस मैंने और लिए हैं, इसके ऊपर रखेंगे। सेंटर में एक और पिन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से घुमाते हुए किनारे किनारे पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे कॉर्नर से। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे, चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब इसे लेंगे, इस कट को इस निशान में रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब देखिए इस पीस को लेंगे जो हमने सबसे पहले तैयार किया था, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और पिन लगा लेंगे। अब देखिए एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से घुमाते हुए इसके चारों तरफ इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से पलट के इसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से खुली साइड है, इस कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे। इसे बंद करते हुए चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक टिश बटन लेंगे, आप चाहे तो वेलक्रो ले सकते हैं। इसके सेंटर में इस तरह रखेंगे, इसे यहाँ पे पक्का कर लेंगे। अब इसे इस तरह बंद करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हाथ डालेंगे अंदर से। अब देखिए इसे इस तरह रखेंगे, यहाँ पे इसे सिलाई कर लेंगे। देखिए इसमें आप अपने वैसे रख सकते हैं। लेंथ है इसकी 12 इंच, विड्थ है इसकी 11 इंच। अब देखिए इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, इसके सेंटर में एक और पिन लगा लेंगे जिससे कटिंग करते हुए खिसके ना। अब देखिए फोल्डिंग वाले साइड से इस तरह ऊपर की तरफ रखेंगे, 1 इंच में निशान लगाएंगे यहां से भी। अब देखिए इस निशान को अंदर की तरफ 2 इंच तक खींच लेंगे। अब देखिए यहां से भी 2 इंच में निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को इस तरह मिला लेंगे। अब देखिए यहां से हम इसे हल्की सी गोलाई दे देंगे इस साइड से भी। अब इसे कट कर लेंगे। इस तरफ से भी कट कर लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर से पकड़ेंगे इसे, इस तरह फोल्ड करेंगे, एक निशान लगा लेंगे। इस तरह यहां से भी फोल्ड करेंगे, एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए इस निशान पे इंच टेप को रखेंगे, इस तरह गोलाई में घुमाते हुए इसे नाप लेंगे। इस निशान तक ये आ रहा है 10 इंच, हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10.5 इंच। अब देखिए सेम साइज की 2 पट्टी हमने और क्विल्ट कर ली है, इसे अलग रखेंगे। लेंथ है इसकी 10.5 इंच, विड्थ है इसकी 1 इंच। अब देखिए इसी साइज की एक चैन ले लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब से इस तरह पलटते हुए यहां से यहां तक टॉप स्टिच लगा देंगे, ये देखिए। अब सेम इसी तरीके से इस पट्टी को चैन की इस तरफ जोड़ लेंगे। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक निशान लगा देंगे दोनों तरफ से। अब इसे लेंगे, इसे भी सेंटर से फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इसे लेंगे, यहां पे रखेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे, दूसरा सिरा यहां पे रखेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। अब देखिए इसे लेंगे, हमने सीधी साइड जो सेंटर में निशान लगाया था इसे ऊपर की साइड लगा लेंगे। अब देखिए इस निशान को पकड़ेंगे, सेंटर के निशान को इस सेंटर वाले निशान से मिलाएंगे, एक और पिन लगा लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, घुमाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे यहां तक। इसी तरह से इस पीस को भी यहां पे जोड़ लेंगे। सिलाई को हमने कपड़े की पट्टी से कवर भी कर लिया है। अब इसे यहां से खोल के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है। लेंथ है इसकी 11 इंच, विड्थ है इसकी 10 इंच। अब सबसे पहले हमने शॉपिंग बैग का एक पीस रखा है,
राइस बैग मैन फैब्रिक रखेंगे। अब इसके सेंटर में हम सिलाइयां लगा लेंगे। ये देखिए ये 11 इंच वाली साइड है, इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर पे गोल पिन लगा लेंगे। अब देखिए कॉर्नर से हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, यहां से भी अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को ऊपर की तरफ खींच लेंगे, इसे मिला लेंगे, इस तरह इधर भी निशान लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए कोई भी गोल प्लेट ले लेंगे, इस तरह रखेंगे, अब निशान लगा लेंगे, अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए यहां से नापेंगे, इस तरह घुमाते हुए गोलाई में यहां तक, यह आ रहा 14 इंच। इसमें 3 इंच और प्लस कर लेंगे 17 इंच। 17 इंच की एक चैन ले लेंगे। अब देखिए यहां पे 1.5 इंच में निशान लगाएंगे, इसी निशान को इस साइड भी लगा लेंगे, उल्टी साइड। चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस निशान को यहां पे रखेंगे, सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह घुमाते हुए यहां तक। अब चैन को यहां से अलग कर लेंगे। अब देखिए इस निशान से इस तरह रखेंगे, यहां से इसमें भी यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसी साइज का मैंने एक कपड़ा लिया है, लेंथ है इसकी 11 इंच, विड्थ है इसकी 10 इंच। अब देखिए इसे इस तरह रखेंगे, सेंटर में इसकी ऑल पिन लगा लेते हैं। अब इसकी चारों तरफ निशान लगा लेंगे। अब ऑल पिन हटा लेंगे, अब इसे कट कर लेंगे। अब इसे लेंगे, सीधी साइड नीचे तरफ रखेंगे। अब यहां से घुमाते हुए यहां तक सिलाई लगा लेंगे, और यहां से घुमाते हुए यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब यहां से इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे इस तरह घुमाते हुए यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे, यहां से हम इसका हुक डाल देंगे। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा चैन हम कट कर लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर इस कॉर्नर से पकड़ेंगे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा सुंदर सा पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है। इसके लिए मैंने क्वल्टेड कपड़े का पीस लिया है, लाइनिंग का कपड़ा, सेंटर में फॉर्म सील, ऊपर से मैन फैब्रिक रख के इसमें सेंटर में सिलाइयां लगा ली है। लेंथ है इसकी 18 इंच, विड्थ है इसकी 14 इंच। इसी साइज की अब एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब चैन को सेंटर से अलग कर लेंगे। अब इसे लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसी साइज का एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इस तरह पकड़ेंगे, इसमें हम हुक डाल देंगे। अब देखिए इसे सेंटर से पकड़ेंगे बराबर, दोनों तरफ सेंटर में कट लगा लेंगे। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अभी देखिए हमने सेंटर में कट लगाया है, इस चैन का सेंटर भी इस कट पे रखेंगे। अब देखिए इस कपड़े की मैंने स्ट्रिप तैयार की है, लेंथ है इसकी 7 इंच। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, इस तरह रखेंगे सेंटर के कट पे। इस चैन को भी इस सेंटर के कट पे रख लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक। अब देखिए इसे इस तरह पकड़ेंगे, इन दोनों कॉर्नर को मिला लेंगे, इन्हें भी मिला लेंगे दोनों कॉर्नर को। अब देखिए इस कॉर्नर से इंची टेप को रखेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर से इंची टेप को इस कॉर्नर पर रखेंगे, 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे,
अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरह भी निशान लगा लेंगे। यहां से रखेंगे 3 इंच में निशान लगाएंगे और यहां से रखेंगे 4.5 इंच में निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिला लेंगे। इस तरह भी निशान लगा लेते हैं पहले। अब इन सभी निशानों पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब यहां से खोल के इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है। इसमें आप अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं, सिलाई का सामान रख सकते हैं और भी छोटी मोटी चीजें इसमें रख सकते हैं।